नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजुमदार। आज मैं बात करने आई हूँ कुछ ऐसे उपाय जिसे करने से जो न्यू ईयर जो है आपके नया साल 2019 जो है मालामाल हो जाएंगे। वो क्या चीज़ आपको करना है। माघ शीर्ष की महीना चल रही है, इसी महीने की जो पूर्णिमा आएंगे, इस पूर्णिमा के दिन जो है ये उपाय जो है ये साधना आपको करने से जो है 2019 आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भरा पूरा रहेगा। तो कैसे साधना करने हैं और कौन सी आपको जो मंत्रों बोलना है आज हम बात करने आए हैं इसी के लिए। तो आपको लेना सबसे पहले जो पूजा के लिए साधना के लिए आपको लेना है गुलाब की अगरबत्ती कुछ ले लीजिए। पीला वस्त्र जो है खुद धारण कीजिए, नए वस्त्र हो सूती का तो बहुत अच्छी बात है। स्फटिक का माला लीजिए, कमल गट्टे की माला भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है, एक जो है लकड़ी का चौकी लीजिए, उसको गंगा जल से साफ कर लीजिए और उसके ऊपर जो है नया पीला वस्त्र जो है वो रख दीजिए, बिछा दीजिए। और साटिन का हो कपड़े, सिल्क का हो या कोई नया कपड़ा जो है सिल्क साटिन का तो बहुत अच्छी बात है। उसको बिछा के माँ के चित्रों को स्थापित करें। माँ के चित्रों को एक साफ सुथरा जो कपड़े से गंगा की जल से साफ कर ले और जो है माँ को चौकी जो है लकड़ी की जो चौकी बिछा के उसके ऊपर कपड़े रखा हुआ है उसके ऊपर माँ की फोटो आप रखें। साथ ही जो गुलाब की अगरबत्ती आप लेके रखे हैं वो जलाए एक तरफ आपके राइट हैंड की तरफ, दूसरी तरफ आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो है आप जो है दिया जला दीजिए। आप जो देसी घी का दिया है वो जला दीजिए। आसन में आप बैठिए, तुलसी या पीला वस्त्र जो है का प्रयोग आपको करना चाहिए। मतलब आपको खुद भी आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, तुलसी का जो है साथ में आपको पूजा के लिए रखना चाहिए। सामने कुछ जो है पीला पुष्प जो है और लाल पुष्प आप माँ के सामने रखिएगा। सबसे पहले महालक्ष्मी का आपको ध्यान करना चाहिए, माँ को याद करना चाहिए और साथ ही आपको शंख जो ये माँ को याद करके ये मंत्र आपको बोलना चाहिए। शंख चक्र गदा हस्ते शुभ्र वर्ण सुभासिनी ममो देही वरंग लक्ष्मी सर्वसिद्धि प्रदायिनी। इस मंत्र को बोलकर आपको माँ को याद करना चाहिए और माँ को याद करके आपको ये जो है ये याद करते हुए आपको 108 कम से कम माला आपको 108 एक माला आपको करना ही करना है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मंत्र एक बार मैं बता देती हूँ। शंख चक्र गदा हस्ते शुभ्र वर्णो सुभासिनी ममो देही वरंग लक्ष्मी सर्वसिद्धि प्रदायिनी। फिर जाके एक जो आपको अभी कहने वाली हूँ एक मंत्र आपको आगे भी बताना है। इस मंत्र से पहले याद रखिएगा, अगरबत्ती और दिया रखने के बाद नैवेद्य का भोग ज़रूर माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए। 5 फल का भोग और साथ में मीठा कुछ मिश्री ज़रूर आपको सामने रखना चाहिए, पर ये सब कुछ जो है पूजा शुरू करने से पहले। और इसके बाद जो है आखिर में आपको ये मंत्र भी आपको जप करना है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को जितना मर्जी आप जप कीजिए, चाहे आप 1 घंटा 1.5 घंटा जितना मर्जी आप जप करें, तो इसे करने से इसके बाद जो है नित्य रूप से जो आपको इस मंत्र का आपको रोज जप करना चाहिए, चाहे जिस टाइम आपको मिले, जो भी टाइम आपको आपके लिए सही हो वही टाइम आपको इस मंत्र का जप करें। तो नियम के अनुसार अगर इस मंत्र का आप जप करेंगे आप देखेंगे कि आपका 41 दिनों में आपका शुभ समाचार ज़रूर आपको मिलेगा। आपके घर में अगर आपकी पैसे के लिए कि आपका फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है उससे भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपको याद करके इस मंत्रों को सटीक बात आपको सटीक उच्चारण के साथ आपको करना चाहिए। और ये जो साधना जो है आपको माघ शीर्ष के महीने के जो पूर्णमासी आएंगे इसी पूर्णमासी के दिन ही शुरू करना है। और 41 दिन आपको लगातार इस मंत्रों दो मंत्रों जो मैंने बोला इस दोनों मंत्रों का आपको जप करना चाहिए लगातार। चलिए आज तो इतना ही, फिर आप लोगों के सामने नए कुछ पूजा पाठ साधना लेके हाजिर हो जाऊंगी। और जब तक मुझे ये साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नमस्कार।